हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को आईटेल विजन वन फ़ोन का जो है पैटर्न को रिमूव करके दिखाने वाला हूँ विदाउट लैपटॉप विदाउट पीसी की मदद से। तो अगर आपके फ़ोन पे भी दोस्तों पिन या फिर पासवर्ड या फिर पैटर्न लोग लगा हुआ या फिर आप भूल चुके हैं तो किस तरह से आप इसको रिमूव करेंगे विदाउट लैपटॉप विदाउट पीसी की मदद से, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। देख लीजिए दोस्तों, इस फोन पे हमारा जो है पैटर्न लगा हुआ है, बट आपका में दोस्तों पिन या फिर पासवर्ड भी हो सकता है, लेकिन लॉक तोड़ने का जो दोस्तों मेथड है वो एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने फ़ोन को जो स्विच ऑफ कर लिया हूँ, तो आपको भी कर लेना है दोस्तों। फ़ोन को स्विच ऑफ करने के बाद जो है आपको पावर की और वॉल्यूम प्लस को एक साथ प्रेस करना है, ठीक है। 8 से 10 सेकंड आपको दोस्तों प्रेस करके रखना है। देख लीजिए, आपको वॉल्यूम प्लस और पावर की आपको दोस्तों आपको एक साथ जो है प्रेस करना है। यहाँ पर देख लीजिए, चलिए हम यहाँ पर जो प्रेस करता हूँ। जैसे दोस्तों आपका डिस्प्ले पर जो आइटम लिखा हुआ आएगा, आपको जो पावर की छोड़ देना है और वॉल्यूम प्लस को दबाए रखना है, ठीक है। देख लीजिए, मैंने वॉल्यूम प्लस को दबा के रखा हूँ, पावर की छोड़ दिया हूँ। तो आपको भी सेम मेथड को अपनाना है, आपको वीडियो पूरा फुल देखना है दोस्तों, तब जाकर आपको जो है समझ में आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, कुछ ऐसा आपको जो इंटरफेस दिख जाएगा, आपको सबसे नीचे आना है, फैक्ट्री रिसेट आपको देख लीजिए सबसे नीचे में आपको जो लिखा हुआ दिख जाएगा दोस्तों। मैं यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो वहाँ पर दोस्तों आपको एक बार जो है टैप करना है फैक्ट्री रिसेट पर। चलिए हम जो है फैक्ट्री रिसेट पर टैप करते हैं दोस्तों। जैसे ही हम टैप करेंगे, हमारा जो फ़ोन है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही दोस्तों हमारा फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होगा, तो हमारे जो दोस्तों फ़ोन के अंदर जितने भी डाटा वगैरह होता है वो सारा कुछ जो डिलीट हो जाता है, वो आपको ध्यान रखना है। सारा डाटा आपका डिलीट हो जाएगा, साथ ही साथ आपका जो पिन या फिर पासपोर्ट या फिर पैटर्न लॉक था दोस्तों, वो भी जो है रिमूव हो जाएगा। बट अभी हुआ नहीं है, आपको जो वीडियो पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि अभी इसमें जो है दोस्तों हमारा FRP जो लॉक होता है उसको भी हम लोगों को जो है बाईपास करना है, तब जाकर जो है हमारा फ़ोन का प्रॉपर लॉक जो है दोस्तों टूट पाएगा, ठीक है। देख लीजिए, मैंने यहाँ पर जो दोस्तों फ़ोन को फॉर्मेट करने कर दिया हूँ, और करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगता है, बट मैं वीडियो को थोड़ा सा जो है फास्ट फॉरवर्ड किया हूँ, थोड़ा सा वीडियो को मैं स्किप किया हूँ। तो आपको जो ध्यान रखना है, आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आपको जो दोस्तों घबराना नहीं है, ठीक है। बहुत सारे फ़ोन पे आधा आधा घंटा भी लग जाता है फ़ोन फॉर्मेट होने में। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, हमारा फ़ोन जो बिल्कुल फॉर्मेट हो चुका है। होने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, अभी हमारा जो फैक्ट्री रिसेट प्रोटेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों FRP लॉक, तो देख लीजिए यहाँ पर एक आपको ताला का सिंबल दिख जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, अभी फ़ोन हमारा जो है बिल्कुल लॉक दिखा रहा है, ठीक है। जब दोस्तों हम लोग जो अपने फ़ोन को सेटअप करने के लिए जाएंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है ओल्ड पासपोर्ट जो हमारा पिन या फिर पैटर्न या फिर दोस्तों कुछ भी था वो वहाँ पर मांगता है, तब जाके जो है खुलेगा। बट हम लोगों को दोस्तों उसका जो पिन लॉक या फिर पासवर्ड या फिर पैटर्न लॉक वो मालूम नहीं है, और यहाँ तक कि दोस्तों इसका हम लोगों को जो ईमेल आईडी भी पता नहीं है। अगर दोस्तों आपको ईमेल आईडी पासवर्ड पता है, तो आप डायरेक्ट अपने फ़ोन को जो है सेटअप कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। मैं आपको जो स्टेप बाई स्टेप सारे कुछ आपको बताने वाला हूँ। देख लीजिए, आपको जो दोस्तों वाईफाई को जो है कनेक्ट कर लेना कोई भी एक दूसरे फ़ोन से, ठीक है। कोई भी एक दूसरे फ़ोन से आपको जो दोस्तों इस वाले फ़ोन पर जो है वाईफाई को आपको जो दोस्तों कनेक्ट कर लेना है, और कनेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मेरा जो हमारा जो दोस्तों पासवर्ड था थोड़ा सा रॉन्ग हो चुका है, फिर से यहाँ पर मैं जो है पासवर्ड डालकर जो है दोस्तों वाईफाई को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आप किसी की भी फ़ोन से जो है इस फ़ोन के अंदर पर जो इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। तो देख लीजिए, चेक इन फॉर अपडेट, तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आपको जो डोंट कॉपी पर क्लिक करना है। देख लीजिए, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर कुछ देर वेट करना है, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों ओल्ड पासवर्ड यहाँ पर जो है जो हमारा पैटर्न लॉक था वो यहाँ पर मांग रहा है, जो कि मुझे पता नहीं है, उसी चक्कर से मैंने फ़ोन को हार्ड रिसेट किया हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, आप जो यूज माई अकाउंट, देख लीजिए गूगल अकाउंट जो होता है दोस्तों, जिसको हम लोग ईमेल आईडी बोलते हैं, वो यहाँ पर आप डालकर जो है आप यहाँ से भी जो है डायरेक्ट अपने फ़ोन को बाईपास कर सकते हैं, आपका फ़ोन यहाँ से जो है खुल जाएगा, ठीक है। बट मुझे ईमेल आईडी भी इसका पता नहीं है, ना ही इसका जो है पैटर्न लॉक पता है, कोई भी लॉक मुझे पता नहीं है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसको जो बैक आएंगे, बैक आने के बाद दोस्तों आपको जो इमरजेंसी कॉल पर चले जाना है। इमरजेंसी कॉल पर जाने के बाद दोस्तों देख लीजिए, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको ऐड कॉन्टैक्ट में आपको आना है, सारा परमिशन दोस्तों यहाँ पर आपको जो अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों देख लीजिए, ऐड कॉन्टैक्ट में आपको आना है। आने के बाद दोस्तों कोई भी एक नंबर यहाँ से आप कॉन्टैक्ट को जो है चूज़ कर सकते हैं, और दोस्तों आपको जो है अपने फ़ोन के अंदर सिम डाल लेना है, ठीक है। वो मैं आपको पहले बताना भूल गया था, बट कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपको जो सिम भी यहाँ पर जो डाल लेना, सबसे पहले फ़ोन को जो है दोस्तों बाईपास करने से पहले आपको एक सिम लगा लेना है। तो आपको देख लीजिए, शेयर वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है दोस्तों, और आपको ऐप इन्फो पे चले जाना है, ठीक है। ऐप इन्फो पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी आपको बताने वाला हूँ। आपको देख लीजिए, स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आपको डिफॉल्ट ऐप में आ जाना है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपको जो एक सेटिंग मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको जो दोस्तों डिफॉल्ट ऐप पे आने के बाद जो है देख लीजिए, नीचे आपको जो है ओपनिंग लिंक
दोस्तों ओपनिंग लिंक का आपको जो है यहाँ पर मैसेज शो होगा दोस्तों, उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख लीजिए आपको जो है यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे अपने फ़ोन का इस इंटरफेस पर, और यहाँ पर आपको मैप में चले जाना है दोस्तों। और यहाँ पर आपको एक बार और क्लिक करना है, और मैप का जो दोस्तों आपका जो मैप जो एप्लीकेशन है दोस्तों, उसको आपको जो ओपन कर लेना है, ठीक है। देख लीजिए आपको नोटिफिकेशन पर जाना है। जाने के बाद दोस्तों आपको जो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख लीजिए आपको जो स्किप यहाँ पर कर लेना है, और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों आपको एक बार बैक करना है। जैसे दोस्तों आप बैक करेंगे आपका जो है मैप जो होता है दोस्तों वो खुल जाएगा, ठीक है। खुलने के बाद दोस्तों आप सर्च बार में कुछ भी लिख सकते हैं, होटल, हॉस्पिटल या कुछ भी। चलिए मैं यहाँ पर होटल सर्च कर लेता हूँ। वहाँ पर जो है कोई भी अगर होटल आएगा दोस्तों तो उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो मैं आपको जो यहाँ पर सारा कुछ बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आपको जो दोस्तों होटल यहाँ पर लिख लेना है, लिख के आपको सर्च कर लेना है। जैसे दोस्तों सर्च करेंगे देख लीजिए आपको जो है बहुत सारा जो है होटल है वो सजेस्ट में आपको यहाँ पर दिखाएगा। आपको एक ही एक में कोई में भी आपको क्लिक कर लेना है, कोई सा भी होटल पे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कॉल पे जाना है। जैसे दोस्तों कॉल पे करेंगे आप तो यहाँ पर देख लीजिए कॉल वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर जो डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको देख लीजिए दोस्तों ***#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 ##*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 ##*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 
लीजिए, आपको जो है कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा दोस्तों। तो आपको जो दूसरा नंबर पे जो है आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, उसमें जो है आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर जो क्लिक कर देते हैं दोस्तों दूसरा नंबर पे। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो यहाँ पर जो है कुछ ऐसे इंटरफेस आपको दिख जाएगा। आपको एक बार जो बैक करना है दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर बैक करेंगे एक बार तो आप जो अपने फ़ोन का मेन सेटिंग पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको सिक्योरिटी एंड लोकेशन पर जाना है दोस्तों। यहाँ पर आपको स्क्रीन पिनिंग ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर आपको चले जाना है। जैसे दोस्तों आप स्क्रीन पिनिंग को एनेबल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो है कोई भी एक पिन या फिर पासवर्ड अपने हिसाब से यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। कोई से भी एक नया पासवर्ड या पिन या फिर आपका जो पैटर्न होता है कोई से भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। देख लीजिए मैंने लगाया हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर एंसर पर आपको कुछ भी डाल देना है, अपना नाम आप डाल सकते हैं, बट यहाँ पर मैं अपना चैनल का नाम डाल रहा हूँ मी सोना, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, अपना नाम ही आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए दोस्तों, इतना सा करने के बाद आपको एक बार बैक करना है। जैसे दोस्तों आप बैक करेंगे फिर आपको स्टार्ट करना है, और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपको दोस्तों डोंट कॉपी पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और जो पासवर्ड आपने लगाया था दोस्तों वो आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को वाला जो पासवर्ड है यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। देख लीजिए मैंने इस तरह का एक लॉक लगाया था दोस्तों, जो कि मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। हमारा फ़ोन जो आगे खुल गया है, ठीक है। जो ऊपर आपको एक ताला का सिंबल दिख रहा है दोस्तों, वो भी अभी जो है कुछ देर में वो हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको स्किप बटन पर क्लिक करना है दोस्तों। देख लीजिए ऊपर से जो हमारा ताला का जो सिंबल है वो भी ऐसे हट चुका है। आपको दोस्तों मोर पे क्लिक करना है, एक सेट पे क्लिक करना है, और आपको जो है अपने फ़ोन को जो है दोस्तों यहाँ से आपको सेटअप कर लेना है। तो कुछ ऐसे है दोस्तों अपने फ़ोन का जो है पिन या फिर पासवर्ड लॉक को जो है आप तोड़ सकते हैं बिना कंप्यूटर बिना लैपटॉप की मदद से। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर दोस्तों आपको एक बार में समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। अगर आपको नहीं हो रहा दोस्तों तो आप जो है कहीं ना कहीं मिसिंग करें, कुछ ऑप्शन को आप छोड़ रहे हैं। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको सारे कुछ समझ में आ गया होगा।